जब भी ईद होती थी ना, मुझे तो ये इंतजार होता था कि मम्मी चाचू ये लोग सब कब आएंगे, क्योंकि आपको ईद ही लेनी होती थी। तो मुझे तो बस ये एक्साइटमेंट होती है, अच्छा वो कितने देंगे, वो कितने देंगे, कितने हो जाएंगे। तो हम तो सिर्फ चौथे दिन सब बहन भाई डिसाइड कर रहे होते थे कि हाँ, पूछ रहे थे तुम्हारी कितनी ईदी जमा हुई, तुम्हारी कितनी ईदी जमा, मुकाबला हो रहा होता था, मुकाबला हो रहा होता था। तो ये होता था, अब तो अभी भी ऐसा ही होता है घर में कि किसने कितने दिए, किसने कितने दिए। तो एक अच्छा लगता है कि वो कोई कितने देता है, पापा इतने देते हैं। कभी तुम्हें कोई याद ही नहीं देती कभी भी, क्यों पता नहीं क्यों, खाना पका रही है रोज, इससे बड़ी ईदी क्या है। तो हम आज तक पूछते हैं आप ईदी क्यों नहीं देती, अम्मी कहती है क्लास पका पका के खिलाने। अम्मी ईदी ले नहीं लेती, हमारी अम्मी तो भाई हमारी ईदी ले लेती, क्योंकि मामा आते हैं, खाला आते हैं, कितनी इकट्ठी हुई है इधर, दो किसने कब। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो तब अम्मी ना सब बच्चों से ईदी ले लेती। हाँ, तो हम और अम्मी ना जैसे कुछ कुछ पैसे आपको पकड़वा दिए और बाकी सारे तड़का। तो मैं आज तक नहीं समझ आया मैं ऐसे क्यों करती थी, आज समझ आया। बेटा जब अम्मी बनोगी तो पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं इस दुख को सिर्फ तुम तभी जानती हो ऐसा क्या आप करती। यार मैं शुरू में करती थी जब तक बच्चे पट जाते थे, उसके बाद तो बच्चे हमें पटाते हैं, तो ईदी मिली है हमें, थोड़ी सी और मिला दे, तो हम उल्लू बनते हैं अब तो भाई। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।